नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली फाइव नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए। पहला, दोस्तों अब तक हमने सोलर पैनल अपारदर्शी देखा है, परंतु कोरियन साइंटिस्ट ने एक अदृश्य पारदर्शी सोलर पैनल का आविष्कार किया है। दक्षिण कोरिया में इंचियोन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक नया पारदर्शी संस्करण बनाकर अपने सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में कामयाबी हासिल की है। इंचियोन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इन परतों को टाइटेनियम डाइऑक्साइड और निकल ऑक्साइड से बदल दिया है। दोनों सामग्रियों में उच्च ऑप्टिकल पारदर्शिता है, इसलिए पर्याप्त दृश्य प्रकाश के माध्यम से जाने की क्षमता है। दूसरा, आपने जानवर और मनुष्य की दोस्ती देखी है, पर आप पोचो और चीटो की दोस्ती के बारे में नहीं जानते होंगे। पोचो एक अमेरिकी मगरमच्छ था जिसने अपनी भावनात्मक दोस्ती और स्थानीय मछुआरों गिल्बर्टो चीटो शेडन के साथ 20 से अधिक वर्षों के संबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। चीटो ने पोचो को रेवेंटाजोन नदी के तट पर मरते हुए पाया था और मगरमच्छ को वापस स्वास्थ्य के लिए देखभाल करते हुए ले गया। 20 वर्षों से अधिक साथ रहने के बाद 12 अक्टूबर 2011 को पोचो का प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। तीसरा, दोस्तों क्या आप अलास्का के लकड़ी में रहने वाले मेंढक को जानते हैं? प्रत्येक सितंबर अलास्का के लकड़ी के मेंढक एक बहुत ही अजीब काम करते हैं। वे जम जाते हैं। वे पूरी तरह से ठोस नहीं जमते, लेकिन वे ज्यादातर ठोस जम जाते हैं। उनके शरीर का 2/3 पानी बर्फ में बदल जाता है। यदि आप उन्हें उठा लेते हैं तो वे हिलते नहीं हैं। यदि आप उनका एक पैर मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा। इन जमे हुए मेंढकों के अंदर अन्य अजीब शारीरिक चीजें चल रही है। उनके दिल धड़कना बंद कर देते हैं, उनका खून नहीं बनता और उनके ग्लूकोज का स्तर आसमान छू जाता है। सबसे अजीब बात यह हो सकती है कि इस जमी हुई अवस्था में वे 7 महीने तक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना कम तापमान का सामना कर सकते हैं, और फिर जब बसंत ऋतु आता है तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है और वो दूर चले जाते हैं। ये मेंढक 4 से 6 वर्ष तक जीते हैं। चौथा, किम ओंग योंग आज हम सबसे प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों में से एक और एक पूर्व बाल विलक्षण किम ओंग योंग के बारे में बात करेंगे। उन्होंने 210 के अपने सुपर जीनियस आईक्यू के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की और 8 साल की उम्र पर पीएचडी प्राप्त की। 8 मार्च 1962 को दक्षिण कोरिया के सियोल में जन्मे। केवल 1 साल की उम्र में किम ने 1000 कैरेक्टर क्लासिक सीखकर कोरियाई वर्णमाला और 1000 चीनी अक्षर दोनों सीखे। 3 साल की उम्र तक किम पित्त पथरी को हल कर सकते थे। 5 साल की उम्र तक किम 5 अलग अलग भाषाएं बोल सकता था, कोरियाई, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और जापानी। 8 साल की छोटी उम्र में नासा ने उनके लिए काम करने के लिए कहा, उनके संपर्क किया। किम ने इसके लिए हामी भर दी और अगले 10 साल तक वहीं काम किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 15 साल का एक लड़का नासा के लिए टॉप रिसर्च कर सकता है। पांचवा, दोस्तों क्या आप जानते हैं जापान और स्कॉटलैंड में नीली स्ट्रीट लाइट लगाने से अपराध और आत्महत्या की दर में कमी आई है। हम रंग को आकाश और समुद्र से जोड़ते हैं। इसका उत्तेजित लोगों पर शांत प्रभाव पड़ता है या किसी विशेष चीज से ग्रस्त लोगों पर जो इससे मामले में आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों हर लाइट और हर रंग का हमारे जीवन में अलग अलग और विशेष महत्व होता है। तो आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।